हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लेक्चर जो है स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। सर्विसेज आप लोग जान लीजिए। पहला सर्विस जो यह है कि आपको कोई भी मटेरियल जो है आपके कोई भी इंस्टीट्यूट का, जैसे कि गेट अकेडमी मेडजी, सारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल और हैंड रिट नोट्स हम लोग देते हैं, बुक्स वगैरह सारे पब्लिकेशन के बुक्स हम लोग एक जगह रखे हुए हैं, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम में फाइल सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? यदि कोई बुक नहीं मिल रहा है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं 8003924159 पे। ठीक है, सेकंड में आप लोग यदि एमटेक एडमिशन लेना चाहते हैं एमएस, तो उसके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, उसकी गाइडेंस, उसकी काउंसलिंग के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब थर्ड है, यदि आपको जॉब का नीड है तो उसके बाद रिक्रूटर से मिलवाना, ये सब हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ एक कॉल कीजिएगा, आपको कॉल बैक भी हो जाएगी और उसके बाद आपकी पूरी मदद की जाएगी। क्लियर है? फिर उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन हमारा चेक कर सकते हैं, हम लोग का एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लोड कैलकुलेशन ऑफ माई होम। ठीक है, ये आपका भी घर से हो सकता है, इसमें कौन सा अप्लायंस आप लोग यूज करते हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर आपको बतला दे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 5000 वाट का एसी है। ठीक है, 5000 वाट का एसी है, यदि वह 1 घंटा चलता है तो 1 घंटा चलता है तो वह कहलाता है 5 किलोवाट आवर। तो वह 1 घंटा में जो है 5 यूनिट खर्च करता है, कितना यूनिट खर्च करता है, 5 यूनिट। तो वो 5 यूनिट को आप लोग मतलब जिस भी स्टेट में उसका अलग अलग रेट होता है यूनिट का, पर यूनिट 8-9, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसमें आपको 40 रुपये, 50 रुपये 1 घंटा का यूज हो जाएगा। उसी तरह 4 घंटा यूज करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यूनिट निकल जाएगा एक एसी का। फिर उसके बाद आप रूम हीटर का भी दे सकते हैं, तो रूम हीटर मान लीजिए कि 2000 वाट का 1 घंटा चलाते हैं तो 2 यूनिट खर्च होता है, 2 यूनिट खर्च होता है, तो उसको आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे आपका कोई भी चार्ज है 1 यूनिट 8-9 से, जनरली दिल्ली में 9 रुपये पर यूनिट है, उसे मल्टीप्लाई करके आप लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं किस तरह लोड कैलकुलेशन करते हैं। ये था एक छोटा सा ग्लिच था। देखिए, तो फैन है, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब है, टेलीविजन है, फ्रिज है, आयरन है, गीजर है, वाटर पंप है, ये सब आपके जनरली हर घर में अप्लायंस होती है। तो सभी के पावर रेटिंग जो है 80 वाट, 40 वाट, 10 वाट, 100 वाट, 140 वाट, 750 वाट, 2000 वाट और हमारा 750 वाट दिया हुआ। ठीक है, जनरली हम लोग नंबर ऑफ अप्लायंस जो है एक घर में 3 यूज करते हैं, फैन 2, लाइट 3, एलईडी बल्ब 4, बाकी जो सारे अप्लायंस हैं वह एक एक यूज करते हैं। नंबर ऑफ आवर्स जो है किसी घर में कम या ज़्यादा यूज हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग फैन 12 आवर्स यूज करते हैं, 2 लाइट 8, एलईडी बल्ब जो हो गया 8, उसके बाद टेलीविजन 8, बाकी सबको एक एक घंटा हम लोग लेकर चले हैं। क्लियर है? अब देखिए, तो अब देखते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल। तो 1 किलो वाट निकालने के लिए वाट इंटू आवर नंबर ऑफ अप्लायंस, उसको आप लोग 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको यूनिट निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले फैन का निकाले 80, मतलब कि 80 वाट खर्च होता था, फिर उसके बाद आवर्स 12, नंबर ऑफ अप्लायंस 3/1000, तो इसको 2.88 यूनिट पर डे आ गया, 2.88 यूनिट पर डे। आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद कितना चार्ज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सारा यूनिट निकाल लेंगे फिर उसके बाद ऐड कर देंगे। उसी प्रकार हम लोग ट्यूबलाइट का किए, 40 × 8 × 3/1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलईडी बल्ब 10 वाट, कोई भी आप लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस लीजिएगा तो उस पर वाट जो है लिखा रहता है, छोटा से ये छोटा या बड़ा से बड़ा उस पर वाट जरूर लिखा रहता है, तो 10 × 8 × 4/1000 उसका 0.3 यूनिट हो गया। फिर उसके बाद टेलीविजन हो गया 100 × 8 × 1/1000, तो 0.8 यूनिट टेलीविजन हो गया। रेफ्रिजरेटर हो गया आपका 140 × 8 × 1/1000, तो 1.2 यूनिट उसका ये हो गया। फिर इलेक्ट्रिक आयरन का सेम उसी प्रकार हम लोग निकाल लिया, एक दिन का यूनिट हम लोग सभी को निकाल कर उसको ऐड कर दिए, तो 9.58 यूनिट आया, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 287.4 यूनिट आ गया हमारे एक मंथ का खर्च। फिर उसके बाद हम लोग रेंटल चार्ज 90 होता, कहीं पर 100 होता, तो इलेक्ट्रिक बिल जो होता है हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जितना हमारा यूनिट आया था सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 287 यूनिट, उसको हम लोग सिंपली जितना आपको रेट चल रहा है 9 रुपये दिल्ली में चल रहा है, यदि आप कहीं पर भी
यदि आपके यहाँ 8 रुपये, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से करके आप लोग कुछ सर्विस टैक्स उसमें आप लोग इंक्लूड करके वहाँ से भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं कि आपको बिल कितना आ रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके, मतलब कि आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह रहते हैं, वहाँ कितना सर्विस टैक्स लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे 90 रुपये रेंटल चार्ज लगता है, फिर उसके बाद हम लोग टैक्स निकाले, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रेट हैं। क्लियर है? तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था हमारा। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 8 से 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद जितना आपका टैक्स लग रहा है आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहीं पे 90, यहाँ पे टैक्सेस ऐड कर दीजिए, टैक्सेस प्लस रेंटल। ठीक है, और कहीं कहीं पर ये यह होता है, जैसे कि आपके यहाँ गवर्नमेंट जो है, जैसे कि कहती है 1 से 100 यूनिट आप लोग यूज करते हैं, तो उसका 5 रुपये यूनिट होगा। क्लियर है? और उसके बाद 100 से 200 यूनिट खर्च करते हैं, तो उसके बाद आपका कुछ 8 रुपये लगेगा। तो यहाँ से आप लोग 287 को आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को, फिर 187, मतलब 87 बचेगा। तो उसके बाद उसको आप अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलग यूनिट से। ये सब भी गवर्नमेंट जो है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम रहता है, तो वहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो कुछ उसमें यदि नया सर्विस हम लोग एडअप करते हैं तो वो भी हम लोग बतलाएंगे। तो ये था हम लोग एक वीडियो जो लोड क्वेश्चन किस तरह करते हैं वो था। क्लियर है? थैंक यू।